आज किस मुद्दे पे आज हरियाणा खेड़ी चौक तक पहुंचे? देखो यहाँ पे जो पिछले 35-36 दिन से आंदोलन चल रहा है, मुआवजा जो फसलें बर्बाद हुई है और 17 गांवों को एक तरफ से छोड़ा गया है, ये यहाँ के किसानों को बताया। सरकार इनसे बातचीत करे, एलआईयू इंटेलिजेंस की सब रिपोर्ट होगी, फसलें बर्बाद हुई या नहीं हुई वो सब रिपोर्ट में सरकार इनसे बातचीत करके जो भी इनका मुआवजा बैठे सरकार इनको दी। सर मुआवजे की जिस मांग को लेकर यहाँ पे किसान बैठे, काफी जगह मुआवजा मिला सर, यहाँ पर यहाँ पे 17 गांव अभी छोटे हैं, क्यों नहीं दिया वो तो सरकार ही बता सके, जवाब तो आप पूछे, लेकिन नुकसान हुआ है फसलों का। सर जवाब मिला है कि यहाँ के जो जैसे एग्रीकल्चर विभाग है उन्होंने रिपोर्ट नहीं दी सर, वहाँ पे भी तो रिपोर्ट नहीं थी तो जिम्मेदारी तो प्रशासन की है ना कि उनसे रिपोर्ट लो, नुकसान हुआ है तो रिपोर्ट लो उनसे, क्यों नहीं दी, क्या किसी पक्षपात के हिसाब से नहीं रिपोर्ट दी, 17 गांव ऐसे छोड़ दे, कोई किसान कोई झूठ नहीं कह रहा, और जो पॉलिसी है वो पूर्ण रूप से ठीक नहीं है पॉलिसी की, सरकार कंपनी के ऑफिस नहीं है, और ये भारत सरकार से बातचीत हुई थी कि हर डिस्ट्रिक्ट में जो कंपनी बीमा काटेगी उनके ऑफिस होंगे, उनके अधिकारी बैठेंगे और मॉनिटरिंग जो लोकल प्रशासन होगा उसकी मॉनिटरिंग में वो सारा बीमा कंपनी काम करेगी, लेकिन किसी का ऑफिस नहीं मिलता, ये पूरा एक सत्यता है कि ऑफिस किसी के कहीं पर नहीं। सर एक सवाल, यूपी में सर आपने बीजेपी सरकार के लिए पुरजोर विरोध किया था, आपने बोला था कि अब की बार बीजेपी सरकार को कोई इलेक्शन तो लेगा नहीं, हम सीधे बताया तो कौन सी सीट से नहीं। सर मैं तो बस ये पूछना चाहूंगी, फिर भी कह रहे हैं कि बहुमत आ गया होगा, हम क्या को चुनाव लड़े थे, इसका जवाब तो पॉलिटिकल आदमी है वो देगा जो चुनाव लड़ रहे होंगे, हम तो चुनाव लड़े। सर अभी एक आपकी यूपी से एक पंडित आई थी, कोई पत्रकार थी, और वो कहती मैंने वहाँ भी सहयोग दिया दिल्ली में और यहाँ भी, अब भी आप विश्वास करोगे कि कोई यूपी का नेता हरियाणा का नेतृत्व तो करके आपके अधिकारों को सुरक्षित रख सकता है? दोबारा बताओ, आपने एक आप अधिकारों को सुरक्षित रख सकता है यूपी का नेता, आपको अब भी विश्वास है क्या जैसा बीजेपी सरकार में किया? किसानों का आरोप है कि यहाँ अधिकारियों ने जानबूझकर रिपोर्ट नहीं दी, और किसानों का ये भी आरोप है कि राजनीतिक द्वेष भावना से हमें मुआवजा नहीं दिया। सत्यता है कि अगर 17 गांव पॉलिटिकल रूप से छूटते हैं तो कोई न कोई द्वेष भावना है। और रहा ये कि जो आप क्वेश्चन कर रहे हो कि आंदोलन से उससे जो भी मसला निकलेगा वो आंदोलन से निकलेगा, अगली रणनीति क्या होगी सर? अगली रणनीति हमारी क्या रणनीति, तो सरकार की रणनीति, किसान क्या कर सकता है भाई, किसान आंदोलन पे बैठ सकता है तो किसान बैठा हुआ है, अपनी बात कह रहा, सरकार तो मुआवजा दे नहीं रही भाई, नहीं दे रही तो क्या कर रहे हैं बताओ, बैठे 36 दिन हो गए भाई, बैठे तो 13 महीने तो दिल्ली में भी हो गए, तो अच्छे समय का इंतजार करें, आपकी बात यही है जी। देखो समय है, सरकारों को बात तो करनी पड़ेगी, क्या कोई कड़ा फैसला भी लिया जा सकता है? क्या कड़ा फैसला लेंगे इसके, उनके बाहर बैठे ऑफिस उनका बंद है, उनके वहाँ पर बैठे हुए हैं, कड़ा फैसला क्या लेंगे? प्रशासन से कई दौर की बात है, प्रशासन में सरकार से बात होनी चाहिए, सरकार इसका जवाब दे, और वो यहाँ से देखे कि इन्होंने क्यों रिपोर्ट नहीं दी, रिपोर्ट मंगा के उसको बातचीत किसानों के बीच में जो कमेटी है यहाँ की, सुरेश कोच यहाँ पे बैठे उसी दिन से बैठे। सरकार का विधायक तो ये कहता है कि किसानों को मुआवजा दिया जाए, लेकिन उसकी वहाँ कोई सुनाई नहीं हो रही। हाँ तो अरे दूसरी बात, दूसरा गल्ला आंदोलन बदनाम भी तो फर्क है, एक द्वेष भाव से ये चीजें होंगी, हमने एनआईए और इंटेलिजेंस यहाँ पे है और हम सरकार से फिर कहेंगे, हमारे संपर्क किसी से होंगे तो उनको कहेंगे कि उन किसानों की कमेटी से लाकर बातचीत। सर बस एक सवाल, तहसील यहाँ पर बंद की गई है, तहसील में लगभग हम किसानों के काम होते हैं, क्या उससे नुकसान नहीं हो? एक बार कमेटी के लोग और सरकार के बीच में बातचीत हो जानी चाहिए इस मामले में, और सरकार को कहना चाहिए कि भाई आप ऑफिस खोल दो, इतना हिस्सा काम भी चलने दो, लेकिन सरकार तो कहे ना बिल्कुल काम होना चाहिए, हम काम के होने चाहिए। हमने मात्र गारंटी मांगी थी डीसी मैडम के साथ जिस दिन बात हुई, हमने वो कहने लगी कि हमने रिपोर्ट दे दी किसान को खराबा हुआ है, हमने कहा था आप लिख के दे दीजिए कि मुआवजा मिलेगा, आप जिले की मालिक है या कोई मंत्री लिख के दे दे या कोई जवान कर दे तो हम उसी दिन तहसील खोल देंगे, मगर धरना उस दिन उठेगा जिस दिन किसानों के खाते में पैसे आ जाए। हमने तो कहा कि कमेटी से बात करके और इसका खोलने का रास्ता जरूर अख्तियार करना चाहिए, मुआवजा दो दिन बाद में हो जाए धरना चलता रहेगा, लेकिन ये खुलना चाहिए, लेकिन एक ठोस आश्वासन तो किसान को भी मिल जाए।